बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नसीर अवान। आज की इस वीडियो में हम एक और अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में, जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इन टर्म्स का असल में डिफरेंस क्या है। जैसे प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, पिटिशनर हो गया, एप्लीकेंट हो गया, अपीलेंट हो गया, कंप्लेनेंट हो गया, इनमें डिफरेंस क्या है। कानून की ज़ुबान के ये वर्ड्स हैं और इनका मतलब जानना एक कॉमन मैन के लिए और एक लॉ स्टूडेंट के लिए, हम अपनी वीडियोस जो बनाते हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और यंग लॉयर्स के लिए होती हैं, तो उनके लिए जानना इनका डिफरेंस बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेंटिफ क्या होता है। जब सिविल कोर्ट के अंदर कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, कोई भी दावा दर्ज किया जाता है, तो जो प्लेंट फाइल करता है, सबसे पहले जो प्लेंट फाइल करता है, जो भी उसका प्रॉब्लम होता है, वो प्लेंट फाइल करता है सिविल कोर्ट में, तो उसको जो प्लेंट फाइल करने वाला होगा उसको हम बोलेंगे प्लेंटिफ। उसके बाद आता है डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल होगी, सॉरी प्लेंट फाइल होगी, उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, जो कि उस प्लेंट का आंसर करता है, वो भी इन रिटर्न एक प्लेंट फाइल करता है, जिसको हम मुद्दा आलिया बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पटिशनर। पटिशनर कौन होता है? पटिशनर वो है जो कि पटिशन फाइल करते हैं अपने लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो इन्फोर्स करने के लिए। अगर वो कुछ रेमेडी चाहते हैं तो वो फिर एक पिटीशन फाइल करते हैं। एक फेमस पिटीशन जो होगी है वो रिट पिटीशन है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 199 में जो हम रिट पिटीशन फाइल दायर करते हैं, ये पिटीशन होगी। उसके बाद रिवियन पिटीशन होगी है कोर्ट्स में, 22A 22B की, 22A 22B की जो पिटीशन हम जिसको कहते हैं वो फाइल करते हैं, ये पिटीशनर्स होते हैं जो पिटीशन फाइल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेंट कौन होते हैं। जब आपका कोई केस है वो अदालत में चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें जो कोई भी पार्टी है वो अगर उसमें कोई अमेंड करना चाहती है या कुछ भी उसमें चेंजिंग करना चाहती है या कोई भी एप्लीकेशन दायर करना चाहती है, तो जो वो एप्लीकेशन जो अगर वो देती है जो भी पार्टी है, तो उसको हम एप्लीकेंट बोलेंगे। उसके बाद अपीलेंट। अपीलेंट कौन होता है? जो किसी हायर फोरम पे, यानी कि लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में अगर कोई अपील फाइल करेगा, किसी जो डिसीजन आया वो उस डिसीजन से खुश नहीं है और या वो ये समझता है कि वो फैसला जो हुआ वो उसके उम्मीदों के मुताबिक या इंसाफ पे मबनी नहीं है, तो वो जो अपील जो बंदा फाइल करता है उसको हम अपीलेंट बोलते हैं। जो अगेंस्ट होगा वो रिस्पोंडेंट होगा ऑब्वियसली। उसके बाद हम देख रहे हैं कंप्लेनेंट। अब कंप्लेनेंट जो बेसिकली क्रिमिनल जब कोई केस होता है तो जो बंदा FIR दर्ज करवाता है और जिसको हम मुद्दई बोलते हैं, जो FIR दर्ज करवाता है तो उसको हम कंप्लेनेंट बोलते हैं। याद रखें कि क्रिमिनल जितने भी केसेस हैं उसमें जो पार्टी होगी क्रिमिनल केसेस में अगेंस्ट स्टेट होगी, कोई भी क्राइम होगा वो अगेंस्ट स्टेट होगा, तो दूसरी पार्टी जो होती है वो स्टेट के अगेंस्ट होती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इनमें डिफरेंस है, मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। अगर आपको इसी तरह की मज़ीद लॉ वीडियोज़ चाहिए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।